हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वन। अगर आपके पास रियलमी C2 है तो इस पर एक नया अपडेट आ चुका है, मार्च का अपडेट। इसका अपडेट साइज क्या होगा, इसमें क्या क्या चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मेरे पास रियलमी C2 है तो इसके अंदर आपको एक अपडेट आएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट। हालांकि ये जो अपडेट मेरे पास 2 दिन बाद आया, पता नहीं कि इसका जो वर्जन नेम है वो है RMX1941EX11A.24। इसका जो अपडेट साइज़ है वो है 154 MB। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या चेंजेस आए और जो जो फीचर्स ऐड हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फीचर्स का जो मेंशन किया गया है अपडेट लॉग, आप देख सकते हैं चाहे तो। आप देखेंगे मेरे वाले पे डाउनलोड हो चुका है तो मैं अब अपडेट पर रख दूंगा और अपडेट होने में 15 मिनट्स लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट लग जाता है अपडेट होने में पूरा और बूट होने में। कुछ इस तरह का आपका शो होगा आप जब अपडेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस तरह से ही आएगा। तो ये अपडेट होकर ऑन भी हो चुका है तो मैं आपको सेटिंग के अंदर ले जाता हूँ। सबसे पहला चेंजेस आपको मार्च, जी हाँ 5 मार्च 2020 का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। और जो हाईलाइट फीचर तो यही था कि बैक गेस्टर, जी हाँ आप देखेंगे ऊपर ही दे दिया है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, स्वाइप गेस्टर फ्रॉम बोथ साइड। फिर आप साइड में से स्वाइप करके बैक बटन को यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह, जी हाँ दोनों साइड में ही बैक बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। रियलमी C2 पर ये थोड़ा स्लो लगा मुझे, पता नहीं क्यों थोड़ा स्लो है। आप देखेंगे उतना भी फास्ट नहीं लगा, थोड़ा स्लो है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप पुराने वाले बैक गेस्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली आपको वीओ वाईफाई का फीचर मिलेगा। जी हाँ, आप जाइए डुअल सिम एंड सेलर सेट नेटवर्क पर, फिर आप सिम ऑन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नीचे आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑफ है, आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। फिर आप वाईफाई में कनेक्ट होकर वाईफाई कॉलिंग का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एयरटेल और जियो सिम पर ही काम करेगा, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो देखा आपने रियलमी C2 पर क्या क्या चेंजेस आए। सबसे अच्छा तो मुझे बैक गेस्चर ही लगा, जो दोनों साइड में आप इस तरह से स्वाइप करके बैक गेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। और है एक वाईफाई कॉलिंग, जो वाईफाई कॉलिंग अब आप अगर आपके फ़ोन में जियो का या एयरटेल का सिम हो तो अब आप वाईफाई कॉलिंग का फीचर का आनंद उठा सकते हैं। और तीसरी बात, मार्च का सिक्योरिटी पैच, तो अगर आपके पास रियलमी C2 है तो आप जाकर अपडेट कर लीजिए और इस अपडेट का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद दोस्तों आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।